दोस्तों नमस्कार। आज है सोमवार और आइए जानते हैं आज का वेदर रिपोर्ट और आइए जानते हैं उसके बाद आज का राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का आपका दिन, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। आज दिन 22 जून और दिन सोमवार है, आषाढ़ का महीना है, शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा है और आद्रा नक्षत्र रहेगा। राहु काल का जो समय रहेगा वो आज 8:15 से लेके 9:29 तक जो कि आज रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि का जो चंद्रमा आज राहु चंद्र बुध और सूर्य की चार ग्रहों की जो युति है वो तृतीय स्थान में बनी हुई है। आज थोड़ा काम मेहनत से आपको लाभ प्राप्त करने के जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत बहुत है आज काम में, जो भी काम आप करेंगे उसमें काफी मेहनत जो है उसके बाद ही कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल पाएगी। छोटी मोटी यात्रा का भी आज योग बनता दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी आपके लिए। धन के मामले में जरूर आपको कुछ ना कुछ आज फायदा हो सकता है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई लाभ जरूर अर्जित जो है हो सकता है। तो कामकाज की जो हालत वो भी ठीक रहेगी, बस दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, थोड़ा मेहनत वाला दिन रहेगा आज। आगे हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। वृष राशि राहु चंद्र बुध और सूर्य चार ग्रहों की युति जो है द्वितीय भाव में बनी हुई है। परिवार की तरफ से अगर बात करूं तो कोई ना कोई मतभेद हो सकते हैं, परिवार में झगड़ा हो सकता है, उस बात को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान जो है रखने की जरूरत है। थोड़ी वाणी पे भी कंट्रोल रखने की जरूरत है, इस बात का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। गुरु और शनि की युति जो है नवम भाव में बनी हुई है। भाग्य कहीं ना कहीं आपका जरूर साथ देगा, भाग्य से आपके कार्य भी आज कोई पूर्ण हो जाएंगे। मंगल जो है वो 11वें घर में जो है गोचर कर रहा है आज, तो कहीं ना कहीं से लाभ भी अर्जित होता हुआ दिखाई जो है वो दे रहा है। परिवार की तरफ से थोड़ी सी चिंता परेशानी जरूर है, उस बात का थोड़ा ध्यान रखें आज के दिन। आगे हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। लगन में ही सूर्य बुध चंद्र और राहु की युति, चार ग्रहों की युति आपकी सेहत को जो है वो थोड़ी सी बिगाड़ रही है आज। सेहत की तरफ से आपको खास ध्यान रखने की जो जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी जो है वो हो सकती है, मन के किसी न किसी प्रकार की कोई चिंता जो है वो सता रही है आपको, हेल्थ को लेके या किसी न किसी प्रकार की कोई काम काज को लेके वो कोई चिंता जरूर आज बनी हुई है। तो थोड़ा अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, रेस्ट करें, तो जिससे आपका जो है वो दिन अच्छा निकल जाए। आगे हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। सूर्य चंद्र बुध राहु की युति 12वें घर में आज बनी हुई है। कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है आज, किसी ना किसी प्रकार का कोई घाटा आपको हो सकता है, नुकसान हो सकता है। कोशिश करें शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं और पैसा किसी को उधार भी ना दें, क्योंकि अगर पैसा उधार देंगे तो दिया हुआ पैसा वापस ना आने के योग बनते हैं। गुरु शनि की युति 7वें भाव में जो है वो पति पत्नी के संबंधों को भी कहीं ना कहीं अच्छा जरूर करती है, बट मन में चिंता किसी ना किसी प्रकार का कोई डर सा कोई बना हुआ है जो आज का दिन आपको चिंता में ही थोड़ा सा रखेगा। आगे हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। गुरु और शनि की युति 6वें भाव में पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको जरूर कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल 8वें भाव में, पेट का खास ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो पेट में कहीं ना कहीं गैस और पेट दर्द इस प्रकार की कोई ना कोई आपको समस्या हो सकती है। चंद्र राहु बुध सूर्य की युति, बड़े भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ में भी कहीं ना कहीं कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं या कोई काम में एडिशन करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन थोड़ा रुक जाए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। कन्या राशि मंगल 7वें भाव में पड़ा हुआ है, गुरु शनि की युति 5वें भाव में, शुक्र भाग्येश होकर अपने ही स्वराशि में पड़ा हुआ है। भाग्य की तरफ से आज बहुत ही दिन शुभ रहेगा, कामकाज में भी कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आपने कोई जॉब अप्लाई की हुई है तो आज अच्छे योग बनते हैं आपको जॉब मिलने के। हो सकता है आपको किसी ना किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी आज आ जाए तो ये दिन जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु शनि की युति है 5वें भाव में, तो वो भी जो है वो आपको लाभदायक और शुभदायक ही रहेगी। आगे हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि।
सूर्य चंद्र राहु बुध चार ग्रहों की युति जो है नवम भाव में बनी हुई है। शुक्र अष्टम भाव में कहीं ना कहीं पारिवारिक जो है वो कलह क्लेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल छठे भाव में माता की तरफ से थोड़ा सा हेल्थ को भी दिक्कत परेशानी जो है वो दिखाई दे रही है। सूर्य चंद्र राहु और बुध की युति भाग्य स्थान में होने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में जो है वो आपका मन जो है वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे आज आपका दिन। तो थोड़ा सा अगर आप कुछ चीजें भाग्य पे छोड़ देंगे तो वो आपके लिए जो है वो अच्छी रहेंगी। कुछ ज्यादा प्लानिंग ना करें किसी चीज के लिए तो ये दिन आपके लिए शुभ निकलेगा। आगे हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि राहु सूर्य चंद्र और बुध की युति अष्टम भाव में कहीं ना कहीं चलते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके गले पड़ जाएगी। कोशिश करें कि आज अगर किसी की अगर आप हेल्प करने जा रहे हैं और कोई हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर रखें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। वाणी में भी आपको थोड़ा सा जो है अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा। आज कोई ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेके, कहीं एक्सीडेंट का योग भी हो सकता है, कहीं पांव में चोट लगने के भी जो है वो योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा दिन अगर आप ड्राइविंग से अगर थोड़ा बचाव रखें तो आपके लिए दिन जो है वो शुभ निकलेगा। आगे हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि सूर्य बुध राहु और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में पति पत्नी के जो है संबंधों में कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहा है। आज पति पत्नी थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, एक दूसरे को अपशब्द ना बोलें जिससे कि है जो आपका रिलेशन खराब हो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कोई कला क्लेश हो सकता है, उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आज के दिन आप थोड़ा उसको डिले जरूर करें। पत्नी थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि नंगे पांव आज जो है वो ना घूमे, चप्पल डाल के ही कहीं अपना बेड से पांव नीचे उतारे तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। सूर्य बुध राहु चंद्र चार ग्रहों की युति जो है छठे भाव में सेहत की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई ना कोई पुराना रोग आपको तंग कर सकता है उसके लिए, और कोई पुराना शत्रु भी आपको जो है वो तंग कर सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र और बृहस्पति की जो है युति लग्न में पड़ी हुई है, शनि स्वराशि का होकर है, बट फिर भी थोड़ा सा क्या है कि कई बार हम किसी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो हमें आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी कर देता है, जिसके कारण हम कई बार कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर जो हमारे ये नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात से थोड़ा जरूर ध्यान रखें, शत्रुओं की तरफ से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है तो उस बात का ध्यान रखने की जो जरूरत है। आगे हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। सूर्य चंद्र बुध और राहु की चार ग्रहों की युति संतान भाव में है, संतान की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। आज खर्चे भी आपके जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लाभ जो है वो कम होगा और खर्चे आपके जो है आज ज्यादा होंगे, तो खर्चों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। थोड़ा सोच समझ कर ही खर्चा करें, कोई फालतू किसी चीजों पर अपना खर्चा ना करें तो दिन आपके शुभ रहेगा। आगे हम बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल जो लग्न भाव में पड़ा हुआ है भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य का मालिक अगर आपका लग्न में पड़ा हो तो आप अपने बल से अपने भाग्य को बनाने वाले होंगे आज के दिन। अगर आप जो भी आप अपने लिए डिसीजन लेंगे बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। बस माता की हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी जो है वो चिंता बनी हुई है, तो उनका थोड़ा सेहत का ध्यान जरूर रखें। शनि भी जो है आपका लाभेश होकर पड़ा हुआ है, अपने स्वराशि में पड़ा है, कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित होने के चांस है। अगर आप कोई अपने व्यापार में कोई इजाफा करना चाहते हैं, व्यापार में अगर आप कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यापार भी करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन जो है वो शुभ रहेगा। आगे हम कल फिर हम आप बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।